दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपको दोपहर की वीडियो में बताया था कि मैं आपको शाम में एक न्यू वीडियो प्रोवाइड करूंगा जहां मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको दूंगा। जितने भी आपके क्वेश्चन रहते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको जितने भी डाउट हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं आज आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मायसेल्फ गोविंद स्वागत करता हूँ आप सबका टेक बुकलेट यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने नए प्रोसेस से आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन के ऊपर एक लिंक मिलेगा। आप वहां जाकर न्यू प्रोसेस से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उससे रिलेटेड वीडियो दोपहर में अपलोड किया था, तो आप उसे जाएं तो देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि राशन कार्ड के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ राशन कार्ड। तो दोस्तों सबसे पहले आपके डाउट दूर करने से पहले मैं ये सब जानकारी भी आज आपको दे देना चाहता हूँ ताकि आपके मन से सारे डाउट दूर हो जाएं। दोस्तों राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं हमारे झारखंड में। पीएच राशन कार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है प्रायोरिटी हाउसहोल्ड राशन कार्ड, इसका कलर लाल होता है। उसके बाद दूसरा नंबर का राशन कार्ड होता है WAY राशन कार्ड, अंत्योदय अन्ना योजना राशन कार्ड, इसका कलर दोस्तों येलो होता है। और तीसरा होता है व्हाइट राशन कार्ड, इसका कलर व्हाइट होता है, सफेद होता है। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा फायदा हमें WAY राशन कार्ड में मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक एक करके सारे कार्ड्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले पीएच राशन कार्ड जो होता है ये लाल कलर का होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार होता है पीएचएच राशन कार्ड और दूसरा होता है एनपीएचएच राशन कार्ड। पीएचएच का फुल फॉर्म होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखाई देगा, प्राथमिकता वाला घर। दोस्तों एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे घर को ज्यादा देखेगा जिस घर में गरीबी हो या फिर किसी ऐसे घर को देखेगा जिस घर में ज्यादा गरीबी ना हो, तो आप जाहिर सा आपका आंसर यही होगा कि जिस घर में ज्यादा गरीबी होगी गवर्नमेंट उसी को देखेगी। तो यहाँ इसे लिखा हुआ प्रायोरिटी हाउस होल्ड, प्राथमिकता वाला घर, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, राशन मिलता है। अगर आपके पास प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाला राशन कार्ड है तो ये भी पीएच में ही आता है, लाल राशन कार्ड में ही आता है, दोनों का कलर लाल ही रहेगा। लेकिन आप अगर आर्थिक रूप से मजबूत है तो आपको राशन नहीं मिलेगा, अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं है तो आपको राशन मिलेगा। मतलब आपको राशन कार्ड, लाल राशन कार्ड प्रोवाइड तो कर दिया जाएगा लेकिन आपको क्योंकि आप प्रायोरिटी में आते हैं तो मिलेगा, नॉन प्रायोरिटी में आते हैं मतलब आर्थिक रूप से आप मजबूत है तो राशन कार्ड आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं तीसरे राशन कार्ड की, दूसरे राशन कार्ड की, जिसका नाम है WAY राशन कार्ड, अंत्योदय अन्ना राशन कार्ड। इसका कलर होता है येलो, सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों इसी में होता है और ये बहुत गरीब लोगों के लिए ये कार्ड बनाया गया है। दोस्तों तीसरा जो राशन कार्ड होता है वो होता है व्हाइट राशन कार्ड, इसका कलर सफेद होता है। ये उन्हें दिया जाता है जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से ज्यादा हो। दोस्तों अभी करंटली हमारे झारखंड में सिर्फ पीएच राशन कार्ड बनाया जा रहा है, तो अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो राशन कार्ड के लिए आप अप्लाई करें मेरे वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप और राशन कार्ड आप बनवा लें। दोस्तों बात करते हैं अब आपके सामने एक नया आपको प्रॉब्लम होता होगा राशन कार्ड अप्लाई करने समय कि भाई इंक्लूजन क्या होता है और एक्सक्लूजन क्या होता है। इंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं समावेशन, एक्सक्लूजन को बोलते हैं अपवर्जन। दोस्तों इंक्लूजन कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपने आप को इंक्लूड करते हैं। आप जब ये राशन कार्ड का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां आपको जितने भी स्टेटमेंट मिलेंगे वहां आपको मैं से रिलेटेड स्टेटमेंट मिलेगा। और एक्सक्लूजन अगर आप कार्ड बनवाते हैं, एक्सक्लूजन से बनवाते हैं, अपवर्जन से बनवाते हैं, तो वहां आपको फैमिली और मैं और मेरे परिवार से रिलेटेड आपको सारा स्टेटमेंट मिलेगा। मतलब सर दोस्तों उस स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरी अगर वीडियो को देखेंगे दोपहर वाली तो आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, टाइम स्लॉट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। दोस्तों टाइम स्लॉट बुक करना पड़ता है, पहले टाइम स्लॉट बुक नहीं करना पड़ता था। टाइम स्लॉट आपको कैसे बुक करना है इससे रिलेटेड वीडियो मैंने दोपहर को अपलोड किया था, आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्रीक्वेंटली मेरे से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्लॉट बुकिंग क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब जो आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको दिन भर में मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 PM तक आपको एक एक घंटे का इंटरवल मिलता है। और आप जब स्लॉट बुकिंग करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपको 1 घंटे का इंटरवल मिलेगा। उसी 1 घंटे के इंटरवल में आपको सारा का सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लैप्स हो जाएगा, मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर दूसरा दिन आपको दोबारा स्लॉट बुकिंग करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में है, अगर पुराने प्रोसेस से अप्लाई किए हैं और कुछ मिस्टेक हो गया है तो कैसे करेक्ट करें। दोस्तों अगर आप पुराने प्रोसेस से अप्लाई किए हैं और कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप घबराएं नहीं, बस अगर आप मुखिया का नाम सही दिए हैं और आपने मुखिया से रिलेटेड सारी जानकारी सही फिट की है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आप उसको जाकर BSO के पास सारा डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर दें। आपका जब राशन कार्ड बन के आ जाएगा तो राशन कार्ड के नंबर से आप जो मिस्टेक्स है उसको सुधार सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो है, अगर फैमिली का नाम नहीं ऐड कर पाए तो क्या करें। दोस्तों इसका भी वही प्रोसेस है कि आप पहले राशन कार्ड बन के आने दें, उसके बाद उस राशन कार्ड के नंबर से आप फैमिली का नाम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन, अगर पुराने प्रोसेस से अप्लाई किए हैं और आप नए प्रोसेस से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं, सेम आधार कार्ड से और सेम मोबाइल नंबर से, वहां आपको लिखेगा लास्ट में कि आपका जो इस आधार कार्ड से एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑलरेडी निकल चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप एक काम करिए, अगर कुछ मिस्टेक हो गया है, नए प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं तो एक अदर फोन नंबर सेलेक्ट करिए और माँ के जगह अपना पापा के नाम से बनवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा दोस्तों, मैंने 2019 में ऐड किया है, मेरा एप्लीकेशन BSO अप्रूव है 9/8/2019 को, लेकिन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है, प्लीज हेल्प। तो दोस्त आपका अगर कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है और BSO अप्रूव है तो आप जाके BSO से मिले और उनको बोले कि भाई मेरे को अप्रूव हो गया है, मेरा नाम जोड़ने का प्रक्रिया को आप बताइए, क्योंकि अब ये जो है नाम जुड़ने वाला जो ऑप्शन है यहाँ से हटा दिया गया है, तो आपको डायरेक्टली ब्लॉक में जाके बात करना पड़ेगा। दोस्तों छठा क्वेश्चन है कि मम्मी नहीं है तो पापा के नाम से भर सकते हैं क्या। हाँ आप डेफिनेटली भर सकते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि वहाँ डेफिनेटली मेंशन किया हुआ है कि किसी भी ऐसे पर्सन के नाम से आप भर सकते हैं राशन कार्ड का फॉर्म जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि गिवन टाइम स्लॉट में अगर फॉर्म नहीं फिल कर पाए तो क्या होगा। दोस्तों टाइम स्लॉट में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लैप्स हो जाएगा, आपको दूसरे दिन फिर से टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा या उसी दिन आपको दूसरा टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा और दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद आप फिर से फॉर्म को भर पाइएगा। एड फैमिली मेंबर्स का ऑप्शन हटा दिया है, क्या करें। दोस्तों इसका भी आंसर यही है कि पहले आप राशन कार्ड बन के आने दें, उसके बाद उस राशन कार्ड के नंबर से आप फिर से एड फैमिली कर सकते हैं। पहले ये डायरेक्ट हो जाया करता था, अब राशन कार्ड बनने के बाद ही हो पाएगा। दोस्तों नौवां क्वेश्चन आपका ये है, नाइन्थ क्वेश्चन, मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, आप जब साइट खोलिएगा अपने मोबाइल पर तो लेफ्ट साइड राइट साइड कॉर्नर पर आपको तीन डॉट दिखेगा, वहाँ क्लिक करिएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, बस आप सारी प्रोसेस को अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। दोस्तों दसवां क्वेश्चन है कि हम अप्लाई कर चुके हैं पर उसमें कुछ गलती हो गया है, भाई अगर फिर से अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी अप्लाई क्या नहीं बताएगा। हाँ डेफिनेटली बताएगा, आप अगर कुछ गलती कर दिए हैं तो आप दोबारा भरेंगे नए प्रोसेस से तो बताएगा आपको कि आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अगर आप पुराने प्रोसेस से भरे हैं और आपका मुखिया का सारा डिटेल सही है तो आप जाके उसको BSO के ऑफिस में जमा कर दे सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, आपका राशन कार्ड बन के आ जाएगा। जब राशन कार्ड बन के आ जाएगा तो राशन कार्ड के नंबर से आप सारे मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, फैमिली वाले मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। दोस्तों अब जब राशन कार्ड का फॉर्म भर लेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जिसको आपको सबमिट करना है जाके BSO के ऑफिस में, तो सबसे पहले आप जो फॉर्म भरेंगे उसका आप एक प्रिंटआउट निकाल लें। दूसरा, जिस भी मुखिया का आप नाम दिए होंगे उनका आप आधार कार्ड का जेरोक्स ले लें और जितने भी फैमिली मेंबर्स के नाम इंक्लूड किए होंगे, ऐड किया होगा आपने राशन कार्ड फॉर्म में, उनका भी आप आधार कार्ड का जेरोक्स आप करवा लें। उसके बाद वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, होल्डिंग रिसिप्ट जो है दोस्तों वो केवल शहरी क्षेत्र के लिए है, आवेदक के लिए है, तो इन सभी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ आपको डालना है, पिनअप करना है, मतलब जेरोक्स करवा के ले जाना है। और दोस्तों सबसे लास्ट चीज़ जो आपको चाहिए कि आपको जो आपका बैंक अकाउंट पासबुक होगा मुखिया का, उसका फ्रंट पेज का, पासबुक का फ्रंट पेज का आपको जेरोक्स करवा लेना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के पीछे पिनअप कर देना है और जाके आपका जो ब्लॉक है वहाँ पे BSO के ऑफिस में सबमिट कर देना है। वहाँ से आपको एक रसीद मिलेगा, रसीद नहीं भी मिलता है तो आप घबराएं नहीं, आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है, आप दोबारा स्टेटस चेक करते रहें। जैसे ही आपका अभी आप स्टेटस चेक करोगे, अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको पेंडिंग बताएगा, लेकिन अगर आपका जब अप्रूव हो जाएगा तो वहाँ पे अप्रूव लिखा जाएगा, उसके बाद आपको राशन कार्ड नंबर जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके सारे डाउट्स को मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।